नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मिडमो सुद केवली वणिदम् वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिका। समय सार जी महान आध्यात्मिक ग्रंथ, इसके मंगलाचरण जो पंडित जयचंद्र जी छावड़ा साहब ने लिखा है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 2 पर देखिए, चौथा छंद है, इसको एक बार पूरा पढ़ेंगे चौथे छंद को। शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाये मत सिद्धांत रुकाल भेद त्रय नाम बताए अर्थ समय वच के सुनिए बहु अर्थ समय में जीव नाम ताते जुसार बिन कर्म मल शुद्ध जीव सुद नए कहे इस ग्रंथ माही कथनी सवय समय सार बुद्ध जन गहे। क्या कहा यहाँ पर पंडित साहब ने? शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये। आगम में अर्थात जिनवाणी में समय तीन प्रकार के बताए हैं, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। एक बार फिर, जिनवाणी में समय तीन प्रकार के कहे गए हैं। देखो कितनी चर्चा है समय के बारे में। समय कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। तब जी आगे जाओ। और आगे जाइए दादा जी। आप समय तीन प्रकार के, कौन कौन से? शक्कर तीन प्रकार की, शब्द शक्कर, वस्तु शक्कर और ज्ञान शक्कर। क्या कहा? शक्कर कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। शब्द शक्कर, वस्तु शक्कर और ज्ञान शक्कर। वाह, है ना, खाली है उसमें टेबल। भगवान महावीर स्वामी तीन प्रकार के, शब्द महावीर स्वामी, वस्तु भगवान महावीर स्वामी और ज्ञान महावीर स्वामी। किसको ये बात समझ में आई? कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? बात बहुत सरल है, पहले भी सब आई है कई बार। शब्द जो निकला है शक्कर नाम का। बहुत बढ़िया। अर्थ उसका वस्तु है, शक्कर वस्तु है, उसमें मिठास है, गुण की तो बात ही नहीं आई अभी यहाँ पे, कोई गुण से तो मतलब ही नहीं है। समय तीन प्रकार की, शब्द समय, अर्थ मतलब वस्तु समय
और ज्ञान समय। सुनो, हमने कहा समय ते शब्द समय है, शब्द है ना ये भाषा वर्णा, ये क्या हुआ, ये शब्द समय। और ऐसी यहां पर एक समय नाम की वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु तो है ही, सदा काल है, चेतन चेतन और चेतना, द्रव गुण और पर्याय, इसको समय कहते हैं, लिखा है। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, द्रव गुण पर्याय वाली आत्मा को क्या कहते हैं, समय। दूसरी गाथा में इसकी परिभाषा आएगी और व्यवस्थित। तो समय मतलब जीव नामक द्रव गुण पर्याय वाली वस्तु, अस्तित्व, अस्तित्व को कहते हैं अर्थ, है पने को कहते हैं अर्थ, नोटेड। अर्थ किसे कहते हैं, है पना, है भारत, है ये भारत अर्थ हुआ, भगवान महावीर स्वामी हैं ये अर्थ हुआ, मैं जीव हूं ये अर्थ हुआ, ये माइक है ये अर्थ हुआ, शक्कर पदार्थ है तो शक्कर क्या है, ये वस्तु अर्थ, प्रेजेंस ही उसकी, प्रेजेंटेंस। तो इसको कहते हैं समय, ये कब से है, अनादि से, अभी भी अनंत काल तक रहेगा। समय वस्तु को क्या कहते हैं, समय। तो इसको यहां पर कहा अर्थ समय, अर्थ महावीर स्वामी, अर्थ शक्कर, क्लियर हो गया, वस्तु को कहते हैं अर्थ, तो अर्थ समय। फिर किसी ने बोले समय, भगवान महावीर स्वामी शक्कर उच्चारण हुआ, तो इसको कहेंगे शब्द समय, शब्द महावीर स्वामी, शब्द शक्कर, क्लियर हो गया। दो प्रकार के समय हो गए, एक वस्तु और एक वचन, लिख लो, सरल कर लो, वस्तु और वचन, वस्तु समय और वचन समय, दो प्रकार के हो गए। आपका घर है कि नहीं, तो घर अर्थ समय कहलाता है। फिर हमने कहा आपका घर, ये शब्द समय, शब्दों में आई ना वो बात, शब्द समय, वस्तु है उसका शब्दों से कथन, वाचक वाच्य नियोग, वाचक वाच्य नियोग, वचन से वो वस्तु को बताया गया, तो दो प्रकार के समय हो गए, दो प्रकार की चीज हो गई, एक वस्तु और एक वस्तु के बारे में शब्द, पक्का। अब जैसे ही हमने बोला आपका घर शक्कर भगवान महावीर स्वामी, तो आपके ज्ञान में क्या आया, क्या गे बना, तो आपके ज्ञान में वो आया, इसको कहते हैं ज्ञान समय। सरल एकदम। हमने कहा भगवान महावीर स्वामी है कि नहीं, सपोज करो सिमंदर भगवान है, अभी विदेश क्षेत्र में सदैव विराजमान शाश्वत जिन, क्या कहा, विदेश क्षेत्र में सदैव विराजमान शाश्वत जिन, शाश्वत क्यों, वो तो जन्मे और मुक्त जाएंगे, नहीं, शाश्वत जिन इसलिए कह रहे हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, ये पद कभी खाली नहीं होता, यहाँ तो थोड़ा सा गैप पड़ जाए शपथ लेने में दो दिन ऐसा, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां तो इनको मोक्ष हुआ उसी नाम से दूसरे तीर्थंकर आ गए, इसलिए कहते हैं विद्यमान वीर तीर्थंकर। आज ख्याल में आ रही होगी बात, एक सेकंड भी खाली नहीं होता, वीर तीर्थंकर पांच महाविदयों में सदा विद्यमान होते हैं, और वैसे तो तीर्थंकर होते ही रहते हैं, तीन कल्याणक वाले, तो कल्याणक वाले होते ही रहते हैं, ऐसा है, अर्थ नहीं है कोई, एक ही बात है, लेकिन यहाँ भी स्पष्ट तीन रूपण का वो एक संबंध था, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि तीन प्रकार के समय, कौन से तीन प्रकार के समय, सबसे पहले, सबसे पहले अब स्टार्टिंग करें दोबारा, वस्तु है कि नहीं, वस्तु तो है ही सदा काल, ये वस्तु को समय कहते हैं, तो वस्तु है इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अर्थ, क्या कहते हैं, अर्थ, अर्थ मतलब होनापना, हयाती, एग्जिस्टेंस, सत्ता, इसको क्या कहते हैं,
अर्थ, बराबर अर्थ। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। क्यों? क्योंकि तीनों की सत्ता है कि नहीं। जैसे आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, तीनों की सत्ता है कि नहीं, ये अर्थ कहलाते हैं अर्थ। और तत्व किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र जी का दूसरा सूत्र पढ़ा रहे हैं, समझ लो। ये कितनी सरल बात है, पहली बात है, लेकिन पता नहीं है। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं सब। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कहा? अर्थ सहित तत्व के श्रद्धान को, तत्व सहित अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अकेले अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, अकेले तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। गहरी बात है, रसपूर्ण बात है, और अपनी चर्चा ये खूब चल चुकी और चलती है। अकेले आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, विश्वास को। अकेले मैं जानने वाला हूं ऐसे विश्वास को भी सम्यक दर्शन नहीं कहते। भेद से बता रहे हैं, भी मैं जीव हूं ये अर्थ, और मैं जानने वाला हूं ये उसका तत्व। कोई भी वस्तु अर्थ और तत्व वाली होती है, नोटेड। कैसी होती है? अर्थ तत्व वाली। मिर्ची है, ये सत्ता मतलब अर्थ, और मिर्ची का तत्व क्या है? सरपराहट, उसका तत्व हुआ। शक्कर है, ये अर्थ वस्तु। शक्कर का तत्व क्या है? मिठास, ये तत्व कहलाता है, उसका स्वभाव। तो अभी यह स्वभाव वाली बात नहीं लेना तीन में, अभी भेद नहीं करना। अभी तो तीन चीज बता रहे हैं। तीन प्रकार के समय हैं। एक वस्तु समय, क्लियर हो गया? वस्तु है कि नहीं? घर है कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी है कि नहीं? शक्कर है कि नहीं? है, लोक में उस पदार्थ की मौजूदगी है। इसको क्या कहते हैं? अर्थ समय। पक्का? जब कोई अर्थ है, जब कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को बताने वाले वचन भी है कि नहीं? वचन है, उनकी संज्ञा है ना, उनका नाम है सबका। शक्कर, मिर्ची, विश्व, लोक, अरन, ब्रह्मा, पाप, पुण्य, हड्डी, खून, वस्तु है कि नहीं? और वस्तु को बताने वाला कोई ना कोई नाम या संज्ञा है कि नहीं? तो शब्द समय कहलाता है। क्या कहलाएगा? शब्द समय। इतनी सी बात है। देखो, ये शरीर है, तो ये शरीर समय। अब हम बोलेंगे ना कि आपके शरीर में क्या लग रहा है, तो ये बोला आपका शरीर, तो ये क्या हुआ? शब्द समय। और आपके ज्ञान में आया मेरे शरीर में कुछ लगा है, तो ये ज्ञान हुआ। इस ज्ञान को बोलेंगे ज्ञान समय, तो ज्ञान की पर्याय। ये अज्ञान रूप जो ज्ञान की पर्याय है, वो उसको सुनती है, वो उसको जानती है। अपन अभी अपनी बात से हम बात करें, तो अब सब यहां देखो, यहाँ पर एक जीव नाम के समय है कि नहीं? हम द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं? यहाँ पे जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है, तो ये क्या हो गया? अर्थ हो गया, वस्तु हो गई, अर्थ समय, बराबर। अब आपने कहा ये एक जीव है, तो ये क्या हो गया? शब्द समय। और सुनने वाले के ज्ञान में वो आया कि ये समय है, उस वस्तु का ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ, इसको क्या कहेंगे? ज्ञान समय। पढ़ो दोबारा। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये। तीन प्रकार के हो गए समय के, कितने भेद हो गए? तीन। कौन कौन से? बोलो, तीनों की जरूरत है कि नहीं? अब एंगल बदल रहा है, सुनना, अब एंगल बदल रहा है, अब एंगल बदल रहा है। तीनों की जरूरत है कि नहीं? सुनो, यदि अर्थ समय नहीं होगा, वस्तु नहीं होगी, तो कथन किसका करोगे? ज्ञान किसका होगा? अभी सुनो, पहले जो कहे, पहले वस्तु ही नहीं होगी तो कथन,
सुनो भैया, एक बंध्या का पुत्र था, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। उसने बहुत पढ़ाई की और पढ़ के दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बना। उसको दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी ने 5,000 करोड़ का पैकेज दिया। और फिर दुनिया का सबसे सेठ आदमी था दूसरा, उसने अपनी लड़की की उससे शादी की और उसकी शादी में हम गए थे और सोने चांदी के हमने माल खाए थे। पहले वस्तु आज हम सो के उठे और छत के बाहर निकले, छत के बाहर मतलब कमरे के बाहर, छत पे आए और देखा आसमान में इतने बढ़िया बढ़िया फूल खिले थे, लाल गुलाबी नीले पीले जामनी हरे, ऐसे बढ़िया बढ़िया सफेद, इतने ऐसे बड़े, उनकी सुगंध तो ऐसी थी कि नाक में घुसघुस जा रही थी, मतलब ऐसे आकाश कुसुम। सबसे पहले तो अर्थ समय वस्तु चाहिए, वस्तु अज्ञान। देखो वस्तु तो है, सुनना दूसरी बात बता रहे, वस्तु है अर्थ समय तो है, लेकिन सुनना बहुत मार्मिक बात, लेकिन यदि शब्द समय ना हो, उस वस्तु को बताने वाले सही शब्द ना हो, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तुम प्रवचन में नहीं आओगे, ये बातें नहीं सुनोगे तो ज्ञान कैसे होगा? जहां ये बात सही चली नहीं रही, ये चर्चा ही नहीं है सिद्धांत की, स्वरूप का निरूपण ही नहीं है, तो वहां पर ज्ञान कैसे होगा? वो वस्तु तो है लेकिन चर्चा नहीं है, तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा। और जब ज्ञान नहीं होगा, जब सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो सम्यक चारित्र क्षमा आनंद वितरकता कैसे होगी? जब ये नहीं होंगे तो धर्म। तो सबसे पहले क्या चाहिए? अर्थ समय, वो उपलब्ध है। अब उसके बाद क्या चाहिए? शब्द समय, उसका निरूपण करने वाले। इसलिए सिद्धों से अनंत को पहले रखा। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गोविंद सिद्ध भगवान और अरंत है गुरु। पहले किसको याद करते हैं, पैर छूते हैं? गुरु के, क्योंकि गोविंद को किसने बताया? और इस गोविंद को किसने बताया? महागुरु को, परम गुरु को, इसलिए उनको स्मरण करते हैं। समझ में आया? तो शब्द चाहिए उस वस्तु को बताने वाले, शब्द चाहिए। और शब्द से समझाया, सुनो भैया तुम समय हो, समय मतलब एक रूप रहता हुआ जानता हुआ जो परिणमता है, तुम ऐसी जीव वस्तु हो, मतलब तुम जीव हो और सिर्फ जानने वाले हो, शरीर कर्म कसाय वाले नहीं हो। तो ऐसा अस्ति नास्ति से समय का स्वरूप निरूपित किया और आपके ज्ञान में बराबर भली भांति वो समझ में आया। तो जो ज्ञान में समझ में आया उसको कहते हैं ज्ञान समय। तीसरा, ज्ञान समय की जरूरत है कि नहीं? दो समय हो गए, कौन कौन से दो समय हो गए? वस्तु समय, आप हो ही जीव वस्तु और वक्ता बोल रहा है, प्रतिदिन बोल रहा है, फिक्स टाइम बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, 10 साल से बोल रहा है, तो दो समय तो हो गए, लेकिन वो ज्ञान समय नहीं हुआ। जैसा युक्ति आगम दृष्टांत से बता रहे, आपके ज्ञान में निर्णय नहीं हुआ, भाव भाषण में नहीं आया, ये ज्ञान समय नहीं हुआ, तो दो समय किस काम के? पिता ही तो रोज कह रहे हैं बेटा जल्दी उठो, घूमने जाओ, स्वस्थ रहोगे, पेट सही रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होंगे, थायराइड नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, 100 रोगों की एक दवा, सुबह की शुद्ध हवा। रोगों की दवा नहीं, रोग ही नहीं होगा। और बच्चा कहता है पिताजी सुन तो लिया, हम कह रहे हैं तुम करता हो,
तुम सम्यक दर्शन के भी कर्ता नहीं हो। अब ऐसा कैसे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो तुमने अकर्ता सुना कहाँ? सुनो, एक एक प्रयास समय पे होती है, क्रमबद्ध है, तो तुमने सुनी कहाँ? क्रमबद्ध होगी। तो पुरुषार्थ क्या है कि ये निर्णय किया कि हम समय हैं और सारी पर्याय क्रमबद्ध है, जान के ज्ञान प्रसन्न है। ये ज्ञान ने जाना, ये शब्द ज्ञान समय और प्रसन्नता हो गई, ये रत्नत्र प्रकट हो गए, पुरुषार्थ का फल आ गया। समय कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। किसको पक्का नहीं हुआ पूछेंगे हम? जिसने भी हाथ खड़ा नहीं किया, जो हाथ खड़ा करेगा उससे नहीं पूछेंगे, जो हाथ नहीं खड़े करेंगे उससे किसी से भी पूछ सकते हैं। समय कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से? अब पहले उल्टा बोलो, मतलब जैसा बताया है निरूपण में, सबसे पहले कौन सा समय? अर्थ समय, क्योंकि वो सदाकाल वस्तु है, अर्थ समय। उसके बाद शब्द समय, दिव्य ध्वनि श्री भगवान की, तुम तो ज्ञान स्वभावी जीव द्रव्य हो। ये क्या हुआ? शब्द समय, और भव्य जीवों के ज्ञान में वो आया, इसका नाम है ज्ञान समय। शक्कर आपके घर के डिब्बे में है कि नहीं है? उसको क्या कहेंगे? शब्द शक्कर, सॉरी अर्थ शक्कर। क्या है वो? अर्थ शक्कर। अर्थ मतलब वस्तु, तो वस्तु शक्कर। फिर बोला भैया शक्कर उठाओ, शब्द शक्कर, शब्द के बिना क्या काम हो? बोला लोग कहते शब्दों से क्या है, बहुत शब्द शब्द कर रहा है, बातों बातों में क्या है। तो तुम्हारी लड़की की शादी ऐसे ही भई होगी, और तुम्हारी भी बात भई नहीं और हो गई। पहले बात होती है, कौन की लड़की, कैसी लड़की, कितने साल की लड़की, गोरी लड़की, काली लड़की, सास को परेशान करने वाली लड़की, मतलब ऐसे सब पहले, तो ऐसे सब पहले बातें होती हैं, और बातें होने के बाद फिर फिर वो ज्ञान में आया, फिर ओके टेस्टेड, फिर प्रोसेस होती है। फिर प्रोसेस में भी टाइम था, निर्णय के बाद भी प्रोसेस में टाइम लगता है। लिख लो ऐसे ही, ज्ञायक के निर्णय के बाद भी सम्यक दर्शन होने में, संयम होने में, साधु दशा होने में, संयोग केवली दशा होने में और सिद्ध दशा होने में टाइम लगता है। अब कितना टाइम लगता है? तो क्रमबद्ध पर्याय तुमने पढ़ी है, पर्याय अपने समय में होगी। तुम्हें क्या करना है? तुमने निर्णय किया है हम समय हैं, समय की चर्चा चल रही है अभी, तो समय मतलब जीव हूं और मात्र करना मेरा काम। परिभाषा क्या है जीव की? जो थोड़ा थोड़ा कर देता है, नहीं भूल के कर देता है, भूल के, कभी भूल में हो जाता है ना। मात्र जानना इस समय की परिभाषा, अभी समय सार की बात नहीं आई, मुझे समय की बात चल रही है। समय सार तो ऐसा तत्व है जो जानता भी नहीं है, जिसमें जानने की क्रिया भी नहीं है, जिसमें जानने का टेंशन भी मतलब वर्किंग नहीं है। समय सार तो हम कौन है? शरीर की समय, समय सार बोलो, शरीर है कि समय है? बोल नहीं पा रहे, पहुंचना वहां तक है, पहुंचना वहां तक है। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। कुंद कुंद आचार्य देव को दिव्य ध्वनि में मिला समय सार, समझाया उनने समय सार, गा रहे आज हम समय सार, नहीं समझ रहे हम, अब गा ही रहे हैं। लेकिन पहले गाना भी, गाना मतलब समझने की जो प्रोसेस चल रही है यही गाना होता है, समझ में आया? तो समय कितने प्रकार के हो गए?
तीन कौन कौन से? शब्द समय, ज्ञान समय। तो तुम कौन से समय हो? समय सारे हो। अभी अभी तीन अभी तुम कौन से समय हो? अर्थ समय। बराबर। ये जो शब्द बोल रहे हैं तुम समय हो, ये कौन से समय है? शब्द समय। और तुम्हारे ज्ञान में आया कि मैं समय हूँ, वो वाला समय नहीं महाभारत का, मैं समय हूँ है। अभी आएगा, अभी वो नीचे वाली लाइन में है। समय डॉक्टर साहब यहाँ पे, चिंता मत करो, यहाँ पे रोग भी है, रोग का इलाज भी है, पथ्य भी है और परहेज भी है, सब मिलेंगे यहाँ पे आपको। ये ऐसी हॉस्पिटल है और डॉक्टर है कि यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये ऐसी गद्दी है भगवान की, गणधरों की, जहाँ से आपको सब मिलेगा। हर चीज मिलेगी जो जो आपको आनंद के लिए चाहिए। ठीक है, तीन समय हो गए, आगे चले। अब देखो, मत सिद्धांत रूकाल भेद त्रय नाम बताए। अब दुनिया में समय के और भी पर्यायवाची नाम है। समय को और दुनिया में किस किस नाम से कहते हैं? कल रात में हर चीज के पर्यायवाची आए थे, जीव द्रव के, वस्तु के, धर्म द्रव के, आकाश के, पुण्य के, पाप के, सबके पर्यायवाची रात में समयसार नाटक में। बढ़िया बढ़िया। पुण्य का एक पर्यायवाची था अकर रोग। डॉक्टर साहब आपकी मेडिकल बुक में अकर रोग। और पाप का नाम आया था कंप रोग। लिख लो, पाप मतलब कंप रोग और पुण्य मतलब अकर। शुभ कर्मों का फल विषय भोग भोगों में मानस रमा रहा, सोने में, न्यूज़पेपर में, बैटरी में, अकर, गाड़ी में, बंगले में, अकर रोग। और पाप में कंप रोग। पुण्य को कहा था उसा ऐसा मुख, कोई सा मुख आया था है। और पाप को अधोमुख, ऐसे पर्यायवाची नाम आए थे कल पढ़ लेना समय सार नाटक में। ठीक है, ऐसे यहां पर कह रहे हैं समय के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम। ऊपर समय के त्रय तीन प्रकार के समय बताए थे, अब समय शब्द के पर्यायवाची बोल रहे हैं। अंतर है दोनों में, समय के पर्यायवाची। तो समय के पर्यायवाची क्या कहे? मत, लिख लो। ये जैन मत है, ये बौद्ध मत है, ये ईसाई मत है। तो जो दर्शन है, जो मत है, मत को भी समय कहते हैं। क्या कहा? मत को भी समय कहते हैं। ये जैन मत, तो जैन मत मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो जैन समय। तो जैन समय मतलब जैन मत। समय का एक पर्यायवाची क्या है? मत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत। समय का अर्थ है क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत को भी समय कहते हैं। सुनो, एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं होता, ये समय है। समय मतलब सिद्धांत है। तीसरा काल। डॉक्टर साहब आपका आ गया, ये पूछ रहे थे काल, टाइम फैक्टर। भैया आजकल समय बेकार चल रहा है, समय बेकार चल रहा है मतलब काल। अब ये काल मतलब वो काल द्रव नहीं है, ये जो लोक व्यवहार में जो सूर्य की गति वगैरह से घड़ी घंटा समय जो भेद पड़ते हैं वो काल। लोक व्यवहार चलाने के लिए ये काल। काल द्रव अलग है, अमूर्तिक द्रव्य है। जैसे जीव द्रव्य है एक, ऐसे ये काल भी एक द्रव्य है जो वस्तु के परिणमन में निमित्त बनता है, वो काल द्रव अलग है ना। और
और ये काल मतलब टाइम फैक्टर, काल मतलब टाइम फैक्टर, एक सेकंड, दो सेकंड, क्यों कितने कितने काल बाद आओगे, इनकी मौत कितने काल बाद आएगी, अरे इनका तो काल आ गया, तीन बाग हो गए। तो ये काल मतलब ये टाइम फैक्टर बराबर कि सरकार कितने काल रहेगी, ये मरीज कितने काल जिएगा, प्रवचन कितने काल चलेंगे, तो काल मतलब समय, कितने समय चलेंगे बराबर। तो तीन भेद हो गए समय के, मत, सिद्धांत, काल। चौथे लिखो, युद्ध को भी समय कहते हैं। अब हम तो बता रहे हैं, सब वही में ही लिख रहे होगा, युद्ध को भी समय कहते हैं। आप डॉक्टर साहब का समय सर अनुशीलन पढ़ोगे उसमें लिखा है समय मतलब युद्ध। और ये भारत पाकिस्तान में समय हो गया मतलब युद्ध हो गया, जहां जैसा प्रसंग हो। ठीक है, तो मत, सिद्धांत, रू, काल, भेद, त्रय नाम बताए। अब इन तीन पर्यायवाची बताए, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं। इन्हीं आदि, अब चर्चा आ रही है वेद विज्ञान की, इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए सहु, इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु। सुनो भैया, अब इनमें जो समय बताया ऊपर, उन समय में शुभ अर्थ, अच्छा अर्थ समय वच के सुनिए बहु, वचन से सुनिए ना, सब उससे बहुत प्रकार से चर्चा समय की आएगी। अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनऊ सहु, मतलब जो हमने ऊपर छह प्रकार के समय के भेद बताए, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, फिर और भी मत, सिद्धांत और काल, ये समय नाम से छह चीजें बताई। इन छह चीजों में शुभ कौन है, वस्तु, अर्थ समय, उसके हम बहुत प्रकार से भेद करेंगे शुभ रूप से। और उनमें अर्थ समय में मतलब वस्तु समयों में जीव नाम है, सुनो, जिसका जीव नाम का जो समय है वो जीव नाम का समय ही सार है। सुनिए सहु, सुनो, सब सुनो विदिशा वालों, कान लगा के सुनो, सार कौन है, सार जीव नाम का समय सार है, मतलब पुद्गल समय, धर्म समय, अधर्म समय, मत वाला समय, वो सार नहीं, वो सार नहीं है। कौन सा समय सार है, जीव नाम का। अब देखो इसमें भी और भेद विज्ञान, अपन जी स्थूल भाषा के अंदर देखो, सब समय के छह भेद तीसरी गाथा में आएंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सबको समय का, वहां पर उसकी परिभाषा आएगी। तो उन छह प्रकार के समय में कौन सार है, जीव समय सार है, जीव नामक समय ही सार है। किन में, छह द्रव्यों में, तो छह द्रव्यों में जीव को छांट लिया, ये लाइन हो गई। अब आगे, ताते जो सार बिन कर्म मल, अब उस जीव समय में भी सार बिन कर्म मल, कर्म मल से रहित शुद्ध जीव शुद्ध नए कहे। देखो, नो कर्म शरीर, द्रव कर्म ज्ञान वर्णादि, भाव कर्म अज्ञान मोह राग द्वेष आदि, इन तीनों को कहते हैं कर्म। तो इन कर्म से सार सब लगा के इनमें सार, ये शुद्ध जीव वस्तु एक अर्थ हो गया। और कर्म का मतलब ये जानना भी कर्म है ना, एक पर्याय है, गुणभेद को भी पर्याय कहते हैं। तो इनको भी गौण करके शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध नय कहता है। देखो क्या लिखा है, ताते जो सार विन कर्म मल, शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे। तो द्रव्यान और कर्म से रहित तो वस्तु है ही, तो वो सार है शुद्ध जीव वस्तु,
जीव में भी कौन सार है? शुद्ध जीव वस्तु, क्योंकि जीव का वर्णन जिनवाणी में कई तरह से किया। अभी आपको एक आध दिन दो दिन मतलब जैसा भी प्रसंग आएगा तो बताएंगे आपको, तो चार दिन भी हो सकते हैं प्रसंग जैसा आए। तीन प्रकार के दिन और तीन प्रकार की आत्मा, क्या कहा? दिन कितने प्रकार के? कभी सुने? जिनने सुने उन्हें पता है, अब जिनने नहीं सुने वो कैसे? अपने ही पास मिलेंगे सब, यही मिलेगा माल। तो दिन तीन प्रकार के, कौन से तीन प्रकार के? अब एक सेकंड में बता ही दे रहे हैं, नहीं फिर का फायदा। फिर दिन तीन प्रकार के दिन, कौन से तीन प्रकार के? एक 24 घंटे वाला, विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में दृष्टांत सिद्धांत, क्योंकि उसमें फिर वो आधा घंटा चाहिए, पूरा मर्म खुलेगा उसका। एक दिन होता है दिनचर्या वाला दिन, एक कैलेंडर वाला दिन, रेलवे वाला 24 तारीख को 1 बजे ट्रेन है तो कब जाओगे? भोपाल में ट्रेन हो कोई की, नेहरू नगर में रहता हो, 24 तारीख को 1 बजे ट्रेन हो तो कितने बजे जाएगा? 1 दिन पहले ट्रेन निकल जाती है लोगों की। 24 घंटे वाला दिन पूरा 1 दिन कहलाता है, बराबर। और दूसरे दिन होता है दिनचर्या वाला, कि भैया तुम्हारा दिन कैसा रहा आज? 5 बजे उठे थे, फिर हाथ मुंह धोए, जाप दी, स्वाध्याय किया, फिर ऐसा, और रात में 10 बजे तक बड़ी अच्छा आराम से रहे। ये क्या हो गया? पूरा दिनचर्या वाला दिन। 2 दिन हो गए ये दिन के, 2 भेद, लेकिन दोनों दिन असली दिन नहीं है। यदि आपको भोजन करना है, मुनिराजों का दिन कौन सा दिन है? मुनिराजों का जो व्रती श्रावक होते हैं उनका दिन सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद चौका खुलता है, सामान्य व्रती का भी। ये लग छुल्लकारी का मुनिराज इस ये काल सामायिक का होता है, उसमें गमन नहीं करते, बोलते नहीं है, कब तक? सूर्य उदय के 48 मिनट बाद वो चालू होता है, और सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले वो समाप्त। अपने बड़े पंडित साहब है, आरणी भाई साहब है, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले पानी का त्याग, खत्म, रात हो गई, छोड़ देते हैं, हम नहीं खाएंगे पिएंगे कुछ, चारों प्रकार के आहार का त्याग, कब तक के लिए? सूर्य उदय होने के 48 मिनट रात तक के लिए। ये दिन है असली जैन का दिन। एक दिन किसे कहते हैं? सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद प्रारंभ होता है, और 48 मिनट पहले पूरा हो जाता है। अब तीनों मौसम में जो भी सूर्य उदय का टाइम है उससे उस दिन की गणना होगी। ये असली दिन है। ऐसे ही असली आत्मा किसे कहते हैं? अब आत्मा तीन प्रकार की बताइए, गोमटसार में, प्रथमान योग में, चरणान योग में, करणान योग में। सुनो भैया, संसारी आत्मा, शरीर वाली आत्मा, कर्मों से बंधी आत्मा, दुखी आत्मा, ये पहले प्रकार की आत्मा। सब कुछ मिला के वर्णन है, भौतिक जीव है, मनुष्य जीव है, रागी जीव है, ये पहली आत्मा। फिर दूसरी आत्मा प्रवचन सार की 80 की गाथा, या पहले कलश की आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा। दूसरा दिन हो गया दिनचर्या वाला भेद रूप, ये भी सच्ची आत्मा नहीं है, इसमें भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, निर्विकल्पता नहीं होगी। सुभाष चाचा जी, पहली आत्मा कौन सी थी? पूरी मिक्स कंपाउंड, पूरी। देखो जिज्ञासा होना चाहिए, अपने संजय है ना वीकेंड साहब के, लोग बहुत प्रवचन सुनते हैं डेली नियम से, शांत चित्त होकर बिल्कुल उपयोग लगा के सुबह का, तो बोले बहुत सारे प्रश्न है। तो कल आए वो बैठे फिर एक एक डेढ़ घंटा शाम को, एक एक क्वेश्चन क्या है भाई, मैं समझ रहा है पूरा, तो फिर बताया पूरा निवोध से लेके क्या क्या है, फिर कैसे वो सब प्रश्न होते हैं। और साइंस वालों के थोड़े ज्यादा ही होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के ना, क्या है एक एक चीज व्यवस्थित, ये पूरा मिक्स कंपाउंड कब से चल रहा है? निवोध से ही है, अभी भी है पूरा,
ये सब कुछ ये पहली प्रकार की आत्मा का जिनवाणी में वर्णन हुआ। फिर शरीर कर्म कषाय को हटाने के लिए नोट कर लेना, पहली बार बोल रहे हैं इस भाषा में, शरीर कर्म कषाय की छटनी करने के लिए बताया, तुम तो भैया रब गुण पर्याय वाले हो, जीव जानने वाले हो, गुण वाले हो, उससे क्या हो गया इनकी सफाई होगी। यहाँ पे लेके आए दूसरे प्रकार का आत्मा, और फिर तीसरे प्रकार का आत्मा, मैं द्रव गुण पर्याय वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जीवन शक्ति से जीता हूँ। क्या कर रहे हो ये अनंत काल तक माला फेरोगे तो अभी कछु नहीं होगा, कर्म एक नहीं कटेगो, धर्म नहीं होगा, फिर कैसे होगा? तो कहले सुनो, जानने वाले भी नहीं, गुण भेद वाले भी नहीं, तुम तो समय सार शुद्ध आत्मा हो। ये तीसरी आत्मा, ये वास्तविक आत्मा है सच्चे जैन बनने के लिए। इतनी व्यवस्थित पढ़ाई है, इतनी व्यवस्थित। तो दिन कितने प्रकार के और आत्मा कितने प्रकार की? एक सच्चा व्रति जैन किस दिन में चौका खोलता है? या तो अंधेरे में ही चौका खुल गाओ, पानी छन गाओ, सब काम हो गाओ, अंधेरे में ही। एक सच्ची घटना है, पहले बता चुके, कुंडलपुर में थे हम और भाई सब वगैरह, 12-14 साल पुरानी बात होगी, 14-15 साल पुरानी। तो बीना से पूरी मंडली गई थी, मोक्षु मंडल रोके बढ़िया, 2-3 दिन सब लोग अच्छे, सब पूजा पाठ भक्ति चर्चा चली। फिर भाई साहब बोले हम तो यहाँ अच्छा लग रहा है, रुकेंगे कुछ दिन और। तो हम 2-4-6-8 लोग और रुक गए वहां पे। तो एक वहां बुजुर्ग माता जी थी, एक ही और कोई वैसा नहीं था, वैसी सफेद साड़ी पहने और ऐसे अपना रहती थी वहां पे। तो वो बहुत आग्रह कर रही कई दिन से, हमारे भोजन करो, भोजन करो, भोजन करो और ऐसा। तो भाई साहब ने कहा चलो ठीक है आएंगे भोजन करो, तो ठीक है हाँ कर दी। अब स्ट्राइक होती है एकदम, क्योंकि हालत बहुत खराब है, पंजम काल है। तो उनने एक भाई से कहा कि जाके देखो जरा आज भोजन है, तो दात मन ने कहा तुम जाकर देख लेना व्यवस्था। तो सुबह सुबह गए वो 6 बजे उठ के, 6:30 बजे दिन निकला, तो वो गए कि माता जी क्या कर लिया? बोले बेटा भैया सुबह उठ गए थे 5 बजे तो पानी छान लो था है ना, और खीर बनाना थी तो वो दूध वो उगला दो था, कितने बजे? 5 बजे। तो उनने कही छन्ना कहा माता जी? तो उनने कही बोल तो वो तुम्हारे सामने। तो देखा तो ऐसा काला कपड़ा, पतला कपड़ा, छोटा सा कपड़ा, क्या है ये? 99% घरों की स्थिति ऐसी है, छन्ना ही नहीं है। शांत भाई साहब की दुकान बंद है तो 2 महीने से छन्ना नहीं आ पा रहा हूं, कहीं मिलते ही नहीं है विदिशा में। चले आप किसी भी दुकान में मिल जाए तो जो कपड़ा चाहिए छन्ने का, है ही नहीं है। छन्ना किसे कहते हैं? कि पानी डालते थे जिसमें से निकल जाए, फेंक देते हैं लोग अपने छन्नेपन देते हैं ना, दिन भर पानी छानत रहे, बीच में टोंका कर लो वहां में देखे भी और काम भी हो जाए, ऐसी हालत है। तो ऐसी स्थिति, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भोजन करने की इच्छा नहीं होती घरों में जाके, कोई भी बुलाए इच्छा नहीं होती, सही बोल रहे, कैसे कपड़े छू जाते हैं, हाथ लग रहे हैं, स्विच ऑन कर लिया उसी हाथ से, साड़ी संभाल ली, वो साड़ी कौन से पानी में और कौन से बाल्टी में धुलती है, पूरे हाथ सनमाइकर लगी है उससे छू रहे हैं, चीजों से छू रहे हैं, ऐसे क्या क्या नहीं होता वो तो भगवान ही जाने। सब्जी फल कभी ढंग से धुलते ही नहीं है, 3 बड़े बर्तन रखो अच्छे और मलमल कर खूब, बिल्कुल उनके मैल निकले, वायरस निकले, उनकी वो जो केमिकल डले हैं उसमें जो खाद डली है, बीमारी क्यों हो रही है ज्यादा? पिंड खजूर का जमाना आ गया, गर्म पानी में धोना 3 बार, कुछ चिपकते हैं ना उसमें चीजें, मिट्टी मैल गंदगी वायरस बैक्टीरिया सब कुछ यही मिलेगा। नहीं लगेगा क्योंकि
सब व्यवस्थित होता जाता है, ज्ञान भी, टाइम भी, उठना भी, सब खान पान भी सब व्यवस्थित होता जाता है, कुछ नहीं लगता। ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है, कुछ नहीं लगता। नंबर एक। दूसरा, आपके पास पैसा है, आपके पास विवेक है, समाज में गरीब महिलाएं हैं, उन्हें जरूरत है, आप शुद्ध उन्हें घर बुला लो, आप उन्हें अच्छे पैसे दो और शुद्ध चीज बनवा, उपाय कर सकते हो, उनके घर पे ही आप दे दो, ये शुद्ध हमारा सामान है, आप बना के दो, वो तरीका बता दो। बात बहुत सारी है, वो मैटर अलग है, बात तो ये चल रही थी कि तीसरा दिन ये है दिन, इसमें एक योग काम भी होगा, योग रीति से दिखेगा बाकायदा। और लाइट तो आज आ गई, आज भी हिंदुस्तान के हजारों गांवों में लाइट नहीं है, और जिन बड़े बड़े शहरों में है, चले जाओ ललितपुर, 15 घंटे लाइट नहीं मिलती, आज भी कितने घंटे, ये स्थिति है उल्टे प्रदेश की, यूपी मतलब, चले जाओ आप धनिया खाना, मतलब कहीं भी ऐसे छोटे लाइट ही नहीं मिलती। अब बोलो, जब लाइट ही नहीं है, बोलो बारिश के दिन है, शाम को 3-4 बजे बारिश के दिन है, कैसा हो जाता है चौके में, इसलिए चौका लिखा था वो ईशान कोण में बने, पूर्व की दिशा में, और ऐसे कि सूर्य की रोशनी ऐसे, इसलिए नहीं लिखा था कि तुम कि सब साइंस है उसके, ये सब नेचुरल चीज है। तो तीन प्रकार के दिन और तीन प्रकार की आत्मा, तीन अनियोग की आत्मा, वो पहली आत्मा जो द्रव गुण पर्याय वाली स्वभाव वाली आत्मा, वो दूसरी आत्मा, और समय सार की छठवीं सातवीं गाथा वाली आत्मा, मतलब तीसरी आत्मा, शुद्ध समय सार। इनको समझना है, तीनों को समझना है बराबर, उसके प्रयोजन को समझना है बराबर। तो इस समय में, समय में सार, कर्म बल से रहित शुद्ध जीव, पर्याय से रहित शुद्ध जीव, वो उपाधि है, से चर्चा करते। निज निधि निज में बता।